हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो नए, तो वेलकम टू द टैरो पूर्णिमा फैमिली। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो तो ऑफ कोर्स वेलकम बैक। फिर से आपको यहाँ पे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करें, बेल बटन प्रेस करें, सो दैट आने के टाइम में भी जो भी आगे जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप देख सको। आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। एंड अगर आप लोग कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हो जनरल रीडिंग में, तो ऑफ कोर्स आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। कोई लोग अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं या जिन्हें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, जिसमें हम उनकी पर्सनल एनर्जी को रीड करेंगे। ओके, जो बस बस और बस आपकी एनर्जी होगी, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ज़्यादा चीज़ों का बेहतर गाइडेंस मिलेगा। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे दी हुई हैं, आप वहाँ से भी लेके मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी आज मैं लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, तो पिक अ कार्ड रीडिंग का जो आज टॉपिक है वो ये है कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी शंका रहती है या डाउट रहता है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ या मैं जिससे प्यार करता हूँ, क्या वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे। तो ये एक तरीके का डाउट क्लियरिंग है। ये जो जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ ये डाउट क्लियरिंग है। अब जनरल रीडिंग है, ये आपसे मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो रेजोनेट नहीं होता है तो कोई दुख की बात नहीं है। अपसेट नहीं होना है कि मेरे से क्यों रेजोनेट नहीं कर रहा। आपकी यूनिवर्सल एनर्जी आपको इस वीडियो तक लेके आई है। पूरे ध्यान से किसी एक पाइल को चुनिए। अगर आपको ऑरेंज पसंद आता है ऑरेंज चुनिए, अगर आपको येलो पसंद आता है येलो चुनिए, या आपको ग्रीन पसंद आता है तो ग्रीन चुनिए। ध्यान से तीनों पाइल की तरफ देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपका मन कौन से पाइल की तरफ जा रहा है। और उस पाइल का टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जा करके उस पाइल का टाइमिंग देख करके डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं आपको टाइम देती हूँ 10 सेकेंड्स का कि आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सको। किसी किसी को ज़्यादा समय भी लगता है, ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है या कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो लोग थोड़े देर के लिए वीडियो को पॉज कर दें, शांति से अपने पाइल को सेलेक्ट करें और फिर उसकी रीडिंग सुनें। तो अब मैं आपको टाइम देती हूँ और आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लो। तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट पाइल है, जो फर्स्ट पाइल मैं रीडिंग करूंगी वो होगा ऑरेंज पाइल, और जो लास्ट पाइल मैं रीड करूंगी वो होगा ग्रीन पाइल, और सबसे बीच में हम लोग रीड करेंगे येलो पाइल। तो जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया है, ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। कुछ कार्ड्स अपसाइड डाउन होंगी तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, वो वैसे ही रीड की जाएंगी। ओके, सो जहाँ तक बात है कमिटमेंट देने की, या जिसके बारे में आपने सोचा है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपसे प्यार करते हैं, बट आपको उतना प्यार अभी उनके साइड से फील नहीं हो रहा। उसका एक रीज़न है कि वो किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हैं, और आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो मुझसे प्यार ज़्यादा नहीं करते। बट ऑफ कोर्स आप दोनों का इमोशनल कनेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम उनका जो फोकस है अपने वर्क लाइफ की तरफ भी है, तो इस केस में ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मे बी उनका जो वर्क बहुत सॉर्टेड हो जाए, उनकी ज़िंदगी बहुत वेल सेटल्ड हो जाए, तो वो आप ही से शादी करेंगे। ओके, मतलब आपसे ही वो शादी करना चाहते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो सिचुएशन को लेके कि क्या पता वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि वो इंसान आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी को आपको चीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो आपको नहीं बताना चाहते हैं या कुछ और है, वो बस बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं। ओके, अभी वो सिक्योर नहीं है,
तो ऐसे केस में उनके माइंड में ये भी चल सकता है कि अगर मैं इनसे शादी करता हूँ या करती हूँ तो मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, क्योंकि मैं खुद उस लेवल पे नहीं हूँ। और आपने जिनके बारे में सोचा है वो ऑफकोर्स एक बहुत हाई लेवल अचीव करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, हाई लेवल अचीव करने की शक्ति रखते हैं, ओके। लेकिन अभी तक वो वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसके लिए अगर उन्हें कुछ अपने साइड से सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ रहे हैं ना, तो वो उसको कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम उससे आप थोड़े कभी कभी दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनका टेंशन आपकी तरफ ना हो करके किसी और तरफ है। आपका जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत फर्म फाउंडेशन पे है, तो अगर एक छोटी सी बात है कि अभी वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको इस पर वरी नहीं करना है, क्योंकि वो आपको जब कमिटमेंट देंगे तब वो इंश्योर करेंगे, तब वो इंश्योर करेंगे कि उनके पास एक अच्छी मनी फ्लो हो, जॉब हो, टाइम हो एंड एवरीथिंग हो। तो इस वजह से अभी जो स्टेबिलिटी नहीं आई है उनके लाइफ में, इस वजह से उनको कमिटमेंट का फियर है। तो आपको अभी इन पे डाउट करना बंद कर देना चाहिए, और आपको ये भी सोचना बंद कर देना चाहिए कि क्या वो मुझे चीट कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने वर्क लाइफ पे थोड़ा फोकस करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो आपको भी मान सम्मान दिलवा सकें और खुद भी मानित और सम्मानित रहें, ओके। सो आपको अगर यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन अगर किसी के साथ है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि क्या वो मुझे चीट कर रहे हैं, और बहुत प्रोमिनेंटली आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू टू डी क्लटर योर होम एंड डी क्लटर योर रूम एंड टू डी क्लटर योर माइंड। मतलब अपने रूम को साफ़ कीजिए, अपने रूम से जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं हैं उनको हटा दीजिए, उससे जो भी मतलब ऐसे पुरानी चीज़ें हैं जो अब आप यूज़ नहीं करते हो तो उसे हटा दीजिए, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है आपके रूम से हट जाएगी। एंड एट द सेम टाइम अपने माइंड से भी ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हटा दीजिए, अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी को, इसको ग्रो होते कभी देख ही नहीं पाओगे, ओके। तो आपको इस फर्म फाउंडेशन पे बिलीव करना है, एंड बिलीव करना है कि चीज़ें जो आज हो रही हैं वो आगे भी आपके लिए अच्छी होंगी, ओके। सो ये एक जनरल रीडिंग मैंने की है ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। तो जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चुना था, लैक ऑफ कमिटमेंट डजंट मीन्स लैक ऑफ कि बंदा आपको चीट कर रहा है या बंदी आपको चीट कर रही है। अगर ऐसा होता तो वो भी मुझे दिख जाता, ये आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, बट उनके लाइफ में और उनके माइंड में बस और बस अपने लाइफ को स्टेबल बनाने की इच्छा चल रही है, ओके। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज पाइल की रीडिंग कर ली है कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पाइल की तरफ जो है येलो पाइल। सो ये आ गया हमारा येलो पाइल। तो देखते हैं कि येलो पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, जिन लोगों ने येलो पाइल सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या चीजें आती हैं। सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार तो करते हैं, बट आपका जो रिश्ता है वो शादी तक नहीं जा पाएगा। आप दोनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है, लड़ाइयाँ होती हैं, चीज़ें ठीक कर लेते हो आप लोग, आप दोनों एक दूसरे पे फोकस करना चाहते हो एंड एक दूसरे का साथ हमेशा ही रखना चाहते हो। एंड ऑफकोर्स अभी आपके मैरिज के भी प्लान्स हैं, बट आपका मैरिज होना जिस इंसान से आपने सोचा है उसके चांसेस बहुत लो हैं, बिकॉज उनकी फैमिली नहीं मानेगी, ओके। तो इस कंडीशन में ऑफकोर्स शादियां होनी मुश्किल हो जाती हैं, बिकॉज जब फैमिली नहीं मानेगी तो आप और आपके पार्टनर शादी करने को रेडी नहीं हो पाओगे या नहीं हो पाएंगी, ओके। एट दी सेम टाइम अभी जो रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही अच्छा रिलेशनशिप है, जिसमें थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे का केयर है, कंसर्न है, बट आने वाले टाइम में ऑफकोर्स ड्यू टू फैमिली रीजंस या ड्यू टू अदर रीजंस, जिसमें कि एक्सटर्नल कोई भी रीज़न हो सकता है, ओके, उसकी वजह से आपका रिश्ता टूट जाएगा और ये इंसान आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। तो अब जिस भी रिलेशनशिप में हो आप इंजॉय कर लो, कि आप अपनी एनर्जी थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, आप अपने फैमिली वालों को अभी से रिवील करने की कोशिश करो धीरे धीरे करके, इवन आपके पार्टनर भी रिवील करने की कोशिश करें। तो अगर आप कुछ एफर्ट्स लेते हो तो वो मे बी आपके आपके बेनिफिट में साबित हो,
बट एक्सटर्नल प्रेशर और फैमिली के वजह से आप लोगों के बीच में बाद में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। अभी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो तो कम हैं क्योंकि आप लोग इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट बाद में आपकी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाएंगी और ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी जो मैरिज है वो इनके साथ टूट जाए और ना हो पाए। तो ये मैंने रीडिंग कर दी है येल्लो पाइल वाले लोगों की। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन पाइल। तो ये आ गया हमारा ग्रीन पाइल। तो ग्रीन पाइल वाले लोग, सो ग्रीन पाइल वाले लोग, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप दोनों की शादी 100% होगी ही होगी। जिसके बारे में भी आपने सोचा है उनसे आपकी शादी होगी ही होगी। ओके, सो गेट अप, इट्स गुड टाइम। ऑल्दो आपके रिलेशनशिप में आगे थोड़ी आप जितना टेंशन ले रहे हो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेंशन लेने का टाइम नहीं है। अपने माइंड को रिलैक्स करो। शादी के पहले छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कभी कभी फंसा फंसा महसूस हो सकता है, कभी ऐसा लग सकता है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, बट ऑफकोर्स यू बिलीव मी, आपने जिसके बारे में सोचा है वो भी इंसान आपको लुक फॉरवर्ड करता है, वो भी इंसान आपके आपके साथ रहना चाहता है और आपके साथ शादी करना चाहता है। तो आने वाले टाइम में ऑफकोर्स आप लोगों की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, बहुत ही फैमिली मान जाएगी, यानी अरेंज सेटअप में बहुत ही ब्यूटिफुली। अब सी अरेंज सेटअप बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपकी लव मैरिज नहीं होगी। लव मैरिज भी होगी तो आपके मदर फादर पूरी तरीके से मान जाएंगे एंड बहुत ही शो एंड अच्छे तरीके से हैप्पीनेस के साथ आपकी शादी इस इंसान के साथ हो जाएगी। माइंड को रिलैक्स रखिए, कूल रखिए। छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के बीच में वो बहुत छोटी हैं, ट्रस्ट मी। ओके, और आप उस चीज़ से ओवरकम कर लोगे और आने वाले टाइम में आपकी इनसे शादी हो जाएगी। तो ये मैंने कर दिया है ग्रीन पाइल वाले लोगों की रीडिंग कंप्लीट। तो एज ऑफ नाउ हमारी रीडिंग होती है कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस करें, बेल बटन प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं कुछ भी नया लेके आती हूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए। एंड एट द सेम टाइम इसको और लोगों के साथ शेयर करें सो दैट किसी की हेल्प हो जाए। क्या पता हम जाने अनजाने किसी की हेल्प कर दें। मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ, आप भी किसी की हेल्प करें। लेट द चेन ऑफ हेल्प नॉट स्टॉप एंड स्टे होम, स्टे सेफ। सी यू अगेन सून। बाय बाय।